ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈਨਾ ਵੀਰੇ ਚਰਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਦੇਖਣੇ ਆ ਗਏ ਆ ਚਰਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਚਰਚ ਪਿੱਛੇ ਮਟਲੋੜੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਮੇ ਭਾਈ ਗੇ ਸਵਾਗਤ ਆ ਆਪਕਾ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਕਰੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਵਲੌਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਅੱਜ ਹਮਾਰਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਮਟਲੋੜੇ ਰੇਂਜ ਮੇ ਔਰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋ ਅਭੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਏਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 11 ਵਜੇ ਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਅਭੀ ਭਾਈ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ नलायक अभी अभी तक तैयार नहीं हुआ अभी तैयार होते हैं निकलते हैं खाना खाते हैं फिर आगे प्लान आपके साथ शेयर करते हैं ठीक है चलो ट्रैवलिंग ब्रदर्स निकल चुके हैं मटोलगंज से आज हमारा ब्रेकफास्ट ही सीधा होगा ब्रेकफास्ट भी हम सीधा करेंगे धर्मशाला जाके है ना अभी निकल रहे हैं गाड़ी पार्किंग में गाड़ी पार्किंग से निकालते हैं और ये देख लो लास्ट बार अपना मटोलगंज की मार्केट यहाँ आ गया भाई पार्किंग में और पार्किंग क्या बहुत महंगी है यहाँ पे मटोलगंज में भाई साहब एक घंटे 60 रुपये और पूरी रात गाड़ी दिखाएंगे 300 रुपये वो सबसे ठीक है पर एक घंटे 60 रुपये बहुत होते हैं यार जम्मू में 20 रुपये पार्किंग है पर चलो ठीक है टूरिस्ट प्लेस है थोड़ा तो बनता है लूटना क्यों नितिक भाई 70 रुपये मैगी खा सकते हो पार्किंग नहीं दे सकते चश्मा क्या भाई का ओ हो क्या बात है डिक्की में डाल दो सामान गाड़ी कैसे दूरदर्शन देखते रहा गाइस मेरा दिल ना थोड़ा सहम सा गया सो गाइस मटलोड़गंज में ना चर्च चला गया था अपना आज हम लोग चर्च देखने आए हैं यहाँ से देखते हुए धर्मशाला निकल जाएंगे रास्ते में ही पड़ता है यार चर्च ना वीरे अपना चर्च रह गया सीगा है ना वीरे चर्च रह गया सी चर्च देखने आ गए हैं चर्च आपा आ गए हैं ते अपना ये रहा चर्च पीछे मटलोड़गंज रोड पे ही है मैं धर्मशाला जा रहे हैं तो फिर देखते चलते हैं ठीक है ऋतिक पाजी ठीक है जी बिल्कुल ठीक है जी हम चलते हैं बड़े टूरिस्ट आए थे ये देखो पीछे कुड़ियां जी हम अपनी शक्ल दिसिए थोड़ी जी चलिए अंदर चलिए वीरे चलो फिर चलो आ जाओ चर्च के बाहर खड़े हैं अभी मौसम तो बहुत सेक्सी हो रहा है बट चर्च के अंदर आपको पता है वीडियो अलाउड नहीं होती ये अपना चर्च है कुछ बाहर से ऐसा ये अपने ऋतिक भाई ओ ऋतिक तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं गाइस देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है नंबर एक का कबीना 20 मूवी की शूटिंग आई हुई थी अच्छा जी जो कि मेरा रोल एक्ट था वहाँ पे हीरो मैं था वो जो कुछ मेरे अंदर भूत आ गया असली रियल का मुझे हीरो से बाहर निकाल दिया कैसा लगा मेरा मजाक गाइज मटलोड़गंज जा रहे हो ना तो चर्च पटका आना यार चर्च ना बहुत ज़्यादा सुंदर है अंदर से अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए हम दिखा नहीं सकते बट आपको आगे देखने के बाद एक्सपीरियंस करना काफ़ी मज़ा आएगा अंदर चर्च ना काफ़ी सुंदर है चर्च और काफ़ी पुराना चर्च है मेरे को 1863 में बना था चर्च गाइज और बहुत ज़्यादा सुंदर है यार आके ना विजिट करना पड़ता है मटलोड़गंज जा रहे हो ना तो रास्ते में ही है जस्ट मटलोड़गंज से आधा किलोमीटर पीछे हो चर्च गाइज अभी निकल रहे हैं चर्च से और सुंदर था काफ़ी चर्च है ना अंदर से भी काफ़ी सुंदर था अभी एक बार जाके खाना खाना पहले हम धर्मशाला जाके या ब्रेकफास्ट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा फॉरनर्स आए हैं मटलोड़गंज में तीनों लोग मैं यही बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा फॉरनर्स हैं यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे भी देख लो अंकल घूम रहे जय माता दी जाम भी लग गया इस बहुत सारा अब तो फंस गया यार फाइनली गाइस धर्मशाला पहुंच चुके हैं और यहाँ का मौसम गाइस बहुत ज्यादा सेक्सी है यार सेक्सी मार्केट है धर्मशाला की बहुत ज्यादा सुंदर मार्केट है फिलहाल अभी गाड़ी पार्क करी है स्टेडियम जाना है हमें देखने के लिए बट उससे पहले एक बार ना खाना खा लेते हैं क्योंकि सुबह से ना कुछ भी नहीं खाया हुआ और गाड़ी की हालत मेरे को दिखाई दी थी यहाँ से कुछ लग रही है बेचारी डॉगी अब पहले चलते हैं एक बार खाना खाते हैं फिर चले गए स्टेडियम अभी स्टेडियम मेरे ख्याल से इतना जल्दी खुला नहीं हुआ जस्ट बिकॉज अभी 12 बजे हैं पता नहीं खुला हुआ या नहीं खुला हुआ तो जाके पता चलेगा बट पहले खाना खा लेते हैं और खाना खाना भी आया न्यूडल हाउस देखते हैं कैसा खाना मिलता है आपको रिव्यू देते हैं फिर ठीक है चलो फाइनली गाइस परांठे अपने आ गए हैं और सुबह ही चाय चेयर्स बॉयज दोपहर के 1 बजे ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी हम लोग लंच कब करेंगे अब 4 बजे गाइस खाना अपना हो गया और खाना ना बहुत ज़्यादा बढ़िया था यार मज़ा आया खा के ये देखो गाइस ट्रेडिशनल पीतल के ग्लासेस हैं शायद इसमें पानी मिल रहा है मस्त है ना सही लग रहा है सुंदर बहुत ज़्यादा टेस्टी था यार मज़ा आया खाना खा के बढ़िया खाना था अगर आप धर्मशाला हो ना तो यहाँ पे आगे देखने पर नूडल हाउस भाई सेक्सी खाना बनाते हैं एक नंबर अभी फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से अब हम जा रहे हैं स्टेडियम देखने वो स्टेडियम के व्यूज तो आपको पता ही है धर्मशाला स्टेडियम के क्यों भाई बहुत अच्छे अंकज भाई से भी ज़्यादा सुंदर सोच लो आप ऋतिक भाई से ज़्यादा ब्यूटीफुल गॉर्जियस व्यूज ओ मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल स्टेडियम तो पहुंच गया इस बार आज ना एंट्री नहीं है स्टेडियम में यार कुछ मैच मूच चल रहे हैं अंदर एंट्री तो बंद है गाइस स्टेडियम तो नहीं जा पाएंगे स्टेडियम में चल रहा है काम 2 महीने से स्टेडियम बंद है तो अभी आ रही हो तो मेरे हिसाब से तो मत ही आना बाहर से देख लो स्टेडियम ऐसे करके जी बढ़िया पुल है गाइस हिमाचल रोड से अभी हम जा रहे हैं जम्मू वापस हमें लगे यहाँ से ऑलमोस्ट 4 घंटे 2 तो बज गए हैं रास्ता बहुत खराब है यार खड्डे ना एकदम से आ जाते हैं बीच में पता नहीं चलता कहाँ खड्डे हैं कहाँ रोड है बाकी तो चलो बढ़िया ही चल रहा है फिलहाल अब आ जाके रुके हैं चाय पीने 1:30 बजे तो खाना खाया था 3:30 तक रुकेंगे चाय पीने है ना लखनपुर रुकेंगे अब सीधा पल्ले पुल्ले खाने के लिए बाकी अब रास्ता देख लो ऐसा और ये लोकल बसेस वगैरह भी आ रही हैं आते टाइम हम रात को आए थे तब तो रास्ता दिखा नहीं सकते थे अभी देख लो अब रास्ता भाई साहब गाड़ी आई है उड़ती हुई वहाँ से फ्रंट ऑफ हैंड आए हम अच्छी खास स्पीड मेंटेन करी थी हमने
अभी हम ऑलमोस्ट पठानकोट पहुंचने वाले हैं, 20-22 किलोमीटर दूर होंगे। मैंने पहले गाड़ी में फ्यूल अप करा लेते हैं यार, जाते रहे हमने डाला था 2000 रुपये का और अभी 800-900 पेट्रोल डलेगा, इतने में गाड़ी वापस ही पहुंच जाएगी और ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर तक चली गई है। तो गाड़ी की एवरेज निकली है 17-18 आराम से अल्टो ही। तो भाई अल्टो बहुत सही गाड़ी है, आज समझ आ गया हमें, बहुत पैसा बचाया अल्टो ने हमारा। फिलहाल अभी खाना है इंडिया कहीं जाके ना खाना, सॉरी अभी जाके बैठ कहीं चाय पियेंगे। बट पिछले 10-15 किलोमीटर से धूप के साथ बारिश हो रही है, वो भी तेज़ ठीक ठाक बारिश। वाह क्या मौसम है गाइस, देख रहे हो पठानकोट एंटर होते हैं गर्मी महसूस होने लगी है, बारिश ही बारिश है गाइस, धूप के साथ तेज तेज बारिश, तेज तेज अंटू भाई। ओ भाई अभी जस्ट बारिश लगी हुई थी, जम्मू एंटर होती बारिश खत्म। वेलकम टू जम्मू बॉयज, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ओ हेलो ओ दो नंबरी। वेलकम टू जम्मू यार, फाइनली जम्मू पहुंच गए और भाई पंजाब बॉर्डर से फिर पुल क्रॉस किया, बारिश खत्म। सुसु आई है गाइस, अंकित बेरो सुसु आई है, लखनपुर भी आ गया, पल्ले भी आ गए हैं, हम भी आ गए हैं यार। तेरे को पता अभी तक गाड़ी में थे ना, इतनी वो लग रही है गर्मी और थकान भी लग रही थी, अब जैसे गाड़ी से उतरा ना सर बड़ा थक सा गया हूं, मुझे लग रहा है ऐसा थका हुआ तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है एकदम से गाड़ी से उतर के ना, और पल्ले खाएंगे पहले पानी पीते हैं ना, डिहाइड्रेशन हो गई है, जरा सूख रहा बहुत ज़्यादा अपने ना, पानी पूनी पीते हैं, पल्ले पुल्ले खाते हैं, थोड़ी रेस्ट लेते हैं ना, थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठते हैं ना, फिर चलेंगे यहाँ से आगे। इसको देख लो लाश को भाई, ये बंदा इतना आलसी है ना, मां कसम इतना आलसी है ना, इसको मैंने यार गाने चेंज करते, छोड़ यार कौन करे, लेट आ रहा पूरा टाइम गाड़ी में भाई, पूरा टाइम भाई। बच्चा तो मम्मी के पास से पैसे चलाता बच्चों ने, वो तो हर एक बच्चे चुराए हैं, मैं नहीं चुराया, कोई नहीं चलता, ऐसे पर्ची चुरा दी है और पर्ची गुम गया फिर बाद में, पर्स फाइंड हो शकी ना शकलो मार बकरी। ये अंकित क्या सिखा रहा है आजकल के बच्चों को, सारे यूथ को अच्छा मैसेज दो, चाय पियोगे पापी खाओगे, पल्ले ही पल्ले पल्ले ही पल्ले रह गए। जम्मू एंटर होते ही गर्मी, गर्मी ऐसे है जैसे मेरी जिंदगी में दुख, भाई साहब इतनी गर्मी है यार, पल्ले खाए अभी बुरी हालत हो गई यार, पल्ले खाते खाते चलिए वीरे, चलिए वीरे चलो फिर चलो जी। जम्मू पुलिस हमारी सेवा में गाइस, ट्रैफिक निकालते हुए बेचारे अंकल और हम यहाँ से निकलते हैं, अभी बंद क्यों कर दिया सही। गाइस विजयपुर पहुंच गया फाइनली, ये अपने विजयपुर, यहाँ से भी हमें लगे ऑलमोस्ट आधा घंटा जम्मू तक, पर ट्रैफिक बहुत हो गया, काम चल रहा है रोड यहाँ पे, बट अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुके हैं बिकॉज हमारे जॉनी भी आ रहे हैं, उन्होंने नई गाड़ी लिया तो हमने चलो पार्टी मिल रही है फ्री में तो क्यों छोड़े भाई, है ना, रुके हैं थोड़ी देर पार्टी वुटी लेते हैं, वैसे खाने का मन तो है नहीं कुछ, थोड़ा मिलके बातचीत करें फिर निकलेंगे घर की तरफ। बाकी ये जल्दी पहुँच गए हम लोग, है ना, अभी जस्ट अभी 6 भी नहीं बजे, 5:30 हुए हैं, और ये देख लो भाई बिल्कुल एक्टिव है, इसको देख लो पीछे लाश को, ये लाश बिल्कुल नहीं उठी भाई, पूरे रास्ते जाते रहे भी लेटी हुई थी, आते रहे भी लेटी हुई थी, होटल में भी लेटी हुई थी, ये कौन पीछे कर ला रहा है बैल साला, के बीच में लगा के आगे कोई मार दे। पापा जी रोड आ गया नीचे ना, नहीं भाई ऑटो में गया था, गाड़ी लेके आया मस्त चोरी करके, ये देखो देखो कूद जाओ यहाँ से, आओ भाई आओ आओ, नेक्स्ट ऑन लेके अल्टो में बैठने आओ, शर्म नहीं आ रही भाई। भाई साहब इतना टाइम तो हिमाचल से आता ही नहीं लगा जितना टोल प्लाजा पे लग गया, कैसा टोल प्लाजा है, पैसे नहीं कट रहे इनसे, कह रहे हैं सर वेट करो अब बीच रोड में खड़े हैं, ये देख लो बिल्कुल ऐसे बदमाशी की तरह, ऐसा लग रहा है मेरे ही पापा का टोल प्लाजा, वाओ यार नाइस। सो गाइस दोनों भाइयों को अपने ड्रॉप कर दिया घर पे, अभी मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ और पहुंच चुके हैं फाइनली जम्मू, 6:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, 7 बजने वाले, थोड़े से बीच में रुके भी थे पहले विजयपुर रुके, फिर लखनपुर रुके थे पल्ले खाने के लिए, उसके बाद टोल पे 10-15 मिनट वेट करना पड़ा बिकॉज टोल का कुछ प्रोसेसिंग का सीन था, वो हो ही नहीं था उनसे, तो फिर हमने कहा भाई लेट हो रही है जल्दी करो यार, फिर उन्होंने थोड़ा सिस्टम बदल गया कि समझ नहीं आया, सिर्फ मैसेज तो आया नहीं मुझे टोल कटने का, बट ठीक है वहाँ से निकले, फिर उसके बाद अभी भाई उनको छोड़ा घर पर, अब मैं घर जा रहा हूँ और मम्मा अभी वहाँ के टाइम हुए तो वो कह रहे मुझे भी ले जाना, तो अब मैं उनको लेट जाने वाला हूँ, ये देखो भाई क्या कर रहा है, देख लो बेवकूफ को बीच हाईवे में देख लो ऐसे हटते करते हैं लोग, अब कोई पीछे स्पीड में आ रहा वो तो ले जाएगा ना साथ ही, सेंस नहीं आया लोगों में। एंड फाइनली गाइस 3 दिन बाद रेस्ट का खाना खाने को मिल रहा है यहाँ, खीर पनीर और अपनी चपाती, इसी के साथ इस व्लॉग को खत्म करते हैं, अगर ये ट्रैवल सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बट मेरे एक्सपीरियंस से पूछो तो पिछले 20 व्लॉग में से सबसे बेस्ट व्लॉग थे 3 दिन के, आई डोंट नो इस पर कैसे रिस्पॉन्स आने वाला है बिकॉज अभी तक मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया, चलो मैं पहला व्लॉग अपलोड करूंगा, होप सो आप सपोर्ट करोगे, वैसे सपोर्ट करते रहो, फिलहाल मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।